सो हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 5 के ये लास्ट टॉपिक को देखा था, मैंगो ऑर्चर्ड के बारे में। सो आगे हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी? सो पहले तो आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप बहुत बड़े मैंगो ट्री के नीचे खड़े हैं। सोच सकते हो कि एक मैंगो ट्री कितना बड़ा होगा, कितना हो सकता है? मेरे ख्याल से हो सकता है 10 मीटर, मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा, आई डोंट नो द एक्चुअल लेंथ। फिर आगे लिखा है कि इमेजिन करो दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग रसलिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज, अ कूइंग साउंड इज हर्ड फ्रॉम अप द मैंगो ट्री, द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्विंगिंग ऑन ब्रांचेज बिकॉज ऑफ द ब्रीज, द फार्मर स्टार्ट्स हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग, सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स इन ब्लॉक कार्ट्स। अब सोचना है आप लोगों को कि सपोज आप लोग मैंगो ऑर्चर्ड में गए हो एक फार्मर के साथ, वहाँ पर आपको एक कुकू की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़, ठंडी हवा ले रही है, हवा के कारण ट्री के ऊपर जो मैंगोज है वो हिल रहे हैं। इसके साथ साथ फार्मर्स सुबह सवेरे के अंधेरे में आते हैं, सवेरे सवेरे में अंधेरे में आते हैं, कुछ फार्मर्स अपने फील्ड में ब्लॉक कार्ड लेके जाते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। फार्मर्स को तभी तकलीफ पड़ती है जब बहुत तेज हवा आती है, तो मैंगो के पेड़ की सारी मैंगोज खराब हो जाती है। वी कैन नॉट गो फार इन ब्लॉक कार्ट, अ ब्लॉक कार्ट कैन ओवर द डिस्टेंस ऑफ योर ओनली 4 किलोमीटर इन आवर। सो 1 आवर में ब्लॉक कार्ट सिर्फ 4 किलोमीटर तक जा सकता है। How much time will it take to cover the distance of 10 kilometers? अगर बच्चों 4 kilometer 1 hour में, so second 4 kilometer, another 1 hour में, अभी 10 में 2 बचे, 2 kilometer, half hour में, so totally time लोगा 2.5 hours. So ये जो block cart है 2.5 hours लेगा 10 kilometer distance cover करना है, तो guess how much distance do you cover in an hour by walking fast? अगर फास्ट कर सकते हैं तो भी आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस काट सकते हैं, सोचो। आगे के पेज पे ये लिखा है कि वी कैन फील द विंड एंड ऑल्सो द सन मूविंग विद अस ड्यूरिंग अ जर्नी, इफ यू फॉरगेट द डायरेक्शन वी कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प ऑफ पोजिशन ऑफ द सन, राइट? बिल्कुल सही कहा है, विंड के साथ साथ सन को भी फील करते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, जब हम जाते हैं रोड पे और सन को जब आसमान में देखते हैं उसकी पोजिशन, तो उससे भी समय का पता लगा सकते हैं और डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं सन को देख करके, ये डायरेक्शन में सन डूब रहा है मतलब ये वेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड आउट में, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शंस ऑफ इट्स राइजिंग। जब सन राइजिंग होता है तो उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करो, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरफ से हो रहा है तो ये ईस्ट हो गया, तो उसके सामने हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा शाम को। स्टैंड वेयर एवर यू आर, विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट। अब जहां पर भी खड़े हो वहां से ईस्ट डायरेक्शन में देखो आपको क्या क्या दिख रहा है वो बताओ। राइट नेम ऑफ एनीथिंग सिचुएटेड इन योर वेस्ट डायरेक्शन। अब आप ईस्ट में खड़े हो वहां से वेस्ट में देखो और कोई भी दो चीज के नाम बताओ। सो ये एक डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है, एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारा वाव सो मेनी मैंगोज। फार्मर सिलेक्ट अ ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री विच गिव्स मोर मैंगोज एंड सो द प्लांट एंड ग्रो इट इन देयर ओन फार्म। A farmer has to wait for many years to grow a big mango tree and to get mangoes on that tree. So farmers को कई साल तक wait करना पड़ता है mango tree कब बड़ा हो और इतने सारे mangoes दे, तो ये बहुत लंबा process है। ये क्या है बच्चों? Tractor। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। Observe the different types of vehicles. The mangoes which are ready for sale are carried to APMC. APMC market बोलते हैं ना, इसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। सो ये ट्रैक्टर भर के या कुछ भी भर के सारी मैंगोज को इस मार्केट में लेकर जाना पड़ता है, और मार्केट यार्ड और बाजार इन द डिफरेंट वेज टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, बिग एंड स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड। अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रैक्टर यूज करते हैं स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में सिर्फ 20 किलोमीटर दौड़ेगा। हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। अगर ये ट्रैक्टर 1 आवर के अंदर 20 किलोमीटर, 1 आवर के अंदर 20 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में 3 into 20 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा।
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स। अगर 85 किलोमीटर है तो यह ट्रैक्टर कितना टाइम लेगा, इसके लिए करना पड़ेगा आपको डिवीजन। सो करते हैं डिवीजन, चलिए। सो मैंने यहाँ जगह बना ली है। सो चलिए सबसे पहले 85 को डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। सो 24 जा हो जाएगा 80, बचेगा 5 किलोमीटर, 4 आवर्स लगाएगा और दूसरा 5 है। सो मतलब आ जाएगा 15 मिनट्स, 4 आवर्स फॉर 80 किलोमीटर एंड 15 मिनट फॉर रिमेनिंग 5 किलोमीटर। टोटल हो गया ना 85 किलोमीटर। मैंने जो 5 किलोमीटर बचाया उसको 15 मिनट इसलिए काउंट किया है क्योंकि 5 4 20 होता है। सो 20 मिनट के 4 पार्ट्स करूँगा, 20 किलोमीटर के तो हर एक 5 का हो जाएगा, और 60 मिनट को डिवाइड करूँगा तो हर एक को 15 मिनट मिलेंगे। सो इसलिए मैंने 15 मिनट्स चूज़ किया है। आपका आंसर 4 आवर एंड 15 मिनट्स। आगे के पेज पे देख सकते हैं, ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स। ये आपको ड्राइंग करनी है, ब्लॉक का, टेम्पो, थ्री व्हीलर टेम्पो, ये ट्रैक्टर वगैरह। नाउ डेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर वेरी हैप्पी बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज डेवलप्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आवर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो टू द फॉरिन कंट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन अ ह्यूज क्वान्टिटी इज कैरिड आउट बाई ट्रक्स एंड बाई एरोप्लेन्स। आजकल फार्मर्स इतने खुश हैं क्योंकि इतनी सारी मैंगोज पूरे भारत भर में एज वेल एज इंटरनेशनल मतलब अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अवर एनवायरमेंट एंड हेल्थ दैट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव इंक्रीज इन मैंगो ऑर्चर्ड्स। ड्यू टू दिस द लैंड क्वालिटी इज डिटोरेटेड एंड इट इज बिकमिंग द इनफर्टाइल। डेंजरस केमिकल्स आर यूज टू राइपन द मैंगोज क्विकली विच हार्म अवर हेल्थ। आजकल इतने सारे ऑर्डर्स जो आते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मतलब खातर और दवाई छांटते हैं अपने फार्म में मैंगो को बढ़ाने के लिए। फिर वो मैंगो की क्वालिटी होती है वो बराबर नहीं रहती है, और उसके बाद जो ज़मीन होती है वो इनफर्टाइल मतलब जहाँ पर अच्छा फ्रूट नहीं उग पाएगा वैसी हो जाती है। और ये जो फार्मर्स है अपने मैंगो को राइप मतलब पक्का करने के लिए दवाई डाल देते हैं। सो आजकल ये चीज़ हो रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। At present, many farmers grow mangoes by organic method without using chemicals and keep our health as well as their land good. कुछ farmers ऐसे भी हैं जो organic तरीके से मतलब natural तरीके से mango को पकाते हैं, जैसे land का भी नुकसान नहीं होता और हमारी health को भी नुकसान नहीं होता। Some people buy raw mangoes, get them ripen at their own home using dry grass, jute sacks, onions, paper or greens and enjoy them. कुछ लोग like me कच्ची कैरी घर पे ले आते हैं, उसको पकाने के लिए रख देते हैं, फिर एंजॉय करते हैं पका के। सो आगे के पेज पे लिखा है, मेनी टाइप्स ऑफ मैंगो आर इन एग्जिस्टेंस सिंस मेनी इयर्स। अर्लियर ह्यूज नेटिव देसी मैंगो ट्री वर मोर इन नंबर्स। सो पहले तो देसी मैंगोज बहुत हुआ करते थे। कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज वर सीन इन ईच फार्म। हर एक खेत में 3 से 4 देसी कैरी के पेड़ देखने को मिलते थे। नाउडेज फार्मर्स आर ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगोज ओनली। ग्राफ्टेड मतलब जिसको ये देसी कैरी का झाड़ उन्होंने काट के फेंक दिया और उसकी जगह पर वो फर्टिलाइजर वाला लगा दिया ताकि उसे ज़्यादा मैंगो हो सके और बेच के पैसा कमा सकें। नेटिव मैंगो ट्रीज आर अबाउट टू एक्सटिंक मतलब बहुत ही कम पेड़ बचे हैं गाँव में जो आजकल ख़त्म होने की कगार पर है। कुछ सालों के बाद ये भी दिखाई नहीं देंगे। इफ देर आर नो मैंगो ट्रीज वेयर विल वी हियर कूइंग ऑफ कुकूज। अगर ये मैंगो ट्रीज को नहीं रहेंगे तो कुकू कहाँ बैठेगी फिर, क्योंकि कुकू कोयल सिर्फ मैंगो ट्री पे ज़्यादातर बैठती हैं। हाउ विल वी एंजॉय द मैंगोज बाय क्लाइंबिंग ऑन मैंगो ट्री लाइक आवर ग्रैंडफादर्स वर व्हेन दे वर किड्स। हम या हमारे आने वाले बच्चे ये चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पेड़ पे चढ़ के कैरी को तोड़ना, मैंगो को तोड़ के खाना, इतने मज़े से खाना, और कोयल की आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे क्योंकि जो नेटिव मैंगो ट्री है वो ख़त्म होने के कगार पर है। How will we enjoy a visit of mango orchard? जरा सोचो अगर मैंगो के ऑर्चर्ड्स मतलब फार्म्स ख़त्म हो जाएंगे हम क्या विजिट करेंगे फ्यूचर में। राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। एक छोटा सा रिपोर्ट लिखिए आपको जो समझ में आता है वो मैंगो ऑर्चर्ड के बारे में कि वो क्या रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए, क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्यों नहीं होने चाहिए, बचाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह। आगे हम बात करें व्हीकल्स कैरिंग मैंगोस, व्हीकल्स के बारे में। अ वुडन ब्लॉक कार्ट कैरी 200 kg ऑफ मैंगोस। 200 किलो मैंगो आप ब्लॉक कार्ट में ले जा सकते हैं।
बट अदर व्हीकल्स कैरी मैंगोज और मैंगो बॉक्सेस एज पर शोन इन द टेबल गिवन बिलो. द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ द व्हीकल सो दैट वी कैन कम टू नो द डिस्टेंस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल कैन कवर इन वन आवर. नीचे दिए गए टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पढ़ लेते हैं पहले क्या है. सो ब्लॉक कार्ट जो 200 किलो और वन आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. रिक्शा और ट्रेलर जो आता है 3 टायर वाला 600 किलो और 12 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब वन आवर में 12 किलोमीटर चला जाता है. ट्रैक्टर 800 किलो और 20 किलोमीटर और बड़ा सा ट्रक 6000 किलो और 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. सो हाउ मैनी किलोग्राम मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप्स. 7 ट्रिप में तो सबको मल्टीप्लाई 7 कर दो तो 7 टू ये हो जाएगा 1400, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 ज़ा 4200 किलोग्राम, 5600 किलोग्राम, 42000 किलोग्राम, मिल गया ना. हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर्स. ट्रैक्टर 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर 1 आवर में 6, 20 × 6 120 किलोमीटर 6 आवर्स में. हाउ मच टाइम विल इट बी टेकन बाय अ रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर. सो एक आवर में 12 तो 60 जाना है तो 12 × 5 = 60 सो आएगा 5 आवर्स. सो आगे के पेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. सो बाय फॉर नाउ. इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.